अलैकुम, वेलकम टू अनम्स किचन। आज चिकन का चिकन मलाई कबाब बना रही हूँ मैं। उसके वास्ते 700 ग्राम चिकन ये बोनलेस देखो पीस आए सा कर लो, पाक कर को सुखा को रख लूँ मैं देखो पीसा धनिया पाउडर ये आधा टीस्पून, टेस्टिंग पाउडर चुपके पाव टी स्पून ये, जीरा पाउडर एक टीस्पून, गरम मसाला पाउडर घर में बना हुआ होममेड आधा टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर दो टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर एक टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट डेढ़ टीस्पून, नमक टेस्ट के हिसाब से कि तो चाट मसाले में भी नमक रहता है एक टीस्पून चाट मसाला, ये फ्रेश क्रीम ये अमूल का फ्रेश क्रीम ये, और दही दो टीस्पून दही, देखो ये आपको चीज़ ये एक ज़रा ले रही हूँ मैं, एक 50 ग्राम होता तुरुप ले चूँ मैं बनाने का शुरू कर चूँ। चीज़ देखो ऐसा तुरुप लेना, मेरे पास ये है, ये डाल रही हूँ मैं तो सारा भी मिलता है। देखो इसमें तुरुप को डाल रही हूँ मैं, 50 ग्राम होता है तुरुप को, हमसे दही दो टीस्पून दही डाल रही हूँ, जरा पानी काट लूँ इसमें दही में, फ्रेश क्रीम है ये फ्रेश क्रीम है तीन टीस्पून डाल रही हूँ, डाल रही हूँ ये सूखा चाट मसाला, अदरक लहसुन का मसाला पूरा डाल को ये पूरे चीज़ा मिक्स कर ले चु मैं। अच्छा देखो ये स्पून में कला रही हूँ, हाथ से अच्छा रहता सी है, हाथ से कला डाल चु। तुम्हारे पास टाइम रहा तो ज़रा ज़्यादा टाइम में भिगने रखो मैरिनेट को, मैं एक दो घंटे भिगने रख चु, ना तो एक रात भी रख सकती क्या भी नहीं। पूरा कलाक हुआ, मैं इसके फ्रिज में रख चु भिगने के वास्ते, प्लास्टिक में इसमें डब्बे में डाल को। देखो नींबू डाल रही, एक नींबू बहुत ईजी आराम से बनाया जा, बहुत अच्छा रहता है। देखो पूरा मिक्स कर रखो हूँ मैं एक दो ओवर के वास्ते, फ्रिज में रख डाल चु इसे, बाद में बना बता चु। टीस्पून ना कॉर्नफ्लोर डाल ले चु पकाने के बाद, अब एक घंटे के बाद उठा को कॉर्नफ्लोर डाल को हूँ, एक घंटे तक का अच्छा ये होने वास्ते रखी थी मैं, अब ये कला ले को पकाने। दो टीस्पून डाल को हूँ तेल, एंड में क्रीम आवाज आ रही, चूल्हे को भी बनाती हूँ तो ओवन में भी बनाती हूँ, बस तवे को बना रही हूँ इसमें। ये पूरा डालती हूँ बच्चों को, मसाला भी इसको लगा रही हूँ, पाँच मिनट ही है, पाँच मिनट के बाद देखो सबको है ऐसा कलर आना, पलटा लेती हूँ। हम भी बाहर खाने गए थे रेस्टोरेंट में, पहले ये मंगा लेते थे, बहुत अच्छा रहता है, सिंपल रहती थी, बस बना को देखो बहुत अच्छा रहता है। पाँच हजार पकने के वास्ते छोड़ी है, बंद कर चुकी हूँ, कर रही हूँ मैं, कभी सिंपल रेसिपी है, कभी भी बना को खा सकती हूँ, बहुत अच्छा रहता है ये खाने के वास्ते। हमें कब तो भी बाहर रेस्टोरेंट में खाने गए थे, बहुत ज़्यादा ये मंगा लेते सो चिकन मलाई कबाब, कहाँ से लाना कर कुछ क्या भी नहीं है, घर में
दो तीन दिन की तुम्हें दूध गर्म कर देना, मलाई उठा कर रखो, मलाई अच्छा फेंक लियो, आराम से क्रीम बन जाता है। सबके घर में है सो चीज़ आंसे, बाहर से तो क्या भी चीज़ में ला को नहीं हूँ, जो भी घर में है वो चीज़ में बनाई हूँ सो मई। देखो पक्को है, रेडी है, इसे जरा इसमें रखेंगे। पक्को है हमारा कबाब, ये चिकन है, ये इसके वास्ते दे रही हूँ बारबेक्यू का फ्लेवर आने के वास्ते, फ्लेवर के वास्ते रखो हूँ तो मैं। पूरे डाल ले चुमी, खाली फ्लेम के वास्ते डाल दूँ तुम्हें। ये चिकन तो ऑलरेडी पक्को है ना, पूरा फ्लेवर दे रही सर। रेडी है ये पूरा रेस्टोरेंट का स्टाइल, ये देखो होटल में मिलता है सेम ऐसा बने सो। आप एक बार बना को देखो, बहुत अच्छी रेसिपी है। ये देखो क्रीम, मलाई तो होना ना, चिकन मलाई, चिकन मलाई कबाब बहुत अच्छा है। देखो रेसिपी ये, एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा है, बना को देखो। काम भी रेस्टोरेंट में गए तो पहले ये छमे तो ले खाते सो, तुम एक बार ट्राई करो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। को तो भी पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ प्लीज़ ये तो बिल्कुल तुम्हें ट्राई करो, बहुत अच्छा, ज़रूर ज़रूर से ज़रूर ट्राई करो, ये बहुत अच्छी है रेसिपी है, ये एक बार तुम्हें बना को देखो। अल्लाह हाफिज़।